हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में कंफ्यूज है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि क्या एग्ज़ाम जो 1 अगस्त तय डेट थी उसी पर कंडक्ट करवाया जाएगा या पोस्टपोन होगा। तो स्टूडेंट्स ने RTI डाली थी, तो NTA के थ्रू उस RTI का रिप्लाई आ चुका है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का 2021 के लिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा, क्योंकि लास्ट में भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, अन अकेडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट वीकली ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। ये टेस्ट आपका एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM कंडक्ट करवाया जाता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आपको PRIYA2010 कोड का यूज़ करना है, ताकि फ्री कॉस्ट आप इस टेस्ट को दे सके। अब क्या क्या बेनिफिट्स है नीट यूजी का जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है वो देने का, तो लाइव रैंकिंग आप देख सकते हैं कि आप कहां पर लाई करते हैं। 60 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट रहेगा, 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है, 4 करोड़+ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने तक का आपको मौका मिलेगा। और ये कॉन्टेस्ट सेपरेट रहने वाला है क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस याद रखिए, अनलॉक करने के लिए PRIYA2010 कोड आपको यूज करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, अन अकेडमी एंड्रॉइड ऐप पर लाइव आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, और स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो इंडिया का बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, और जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक इस कॉन्टेस्ट के अंदर रैंक 1 टू रैंक 3 आएगा, उनको 1 ईयर नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 4 टू 10 आएगा, 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड रैंक 11 टू 50 वाले स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, रैंक 51 टू 150 वाले स्टूडेंट्स को 25% की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM ये टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट की ड्यूरेशन का टेस्ट रहेगा, और प्राइजेस भी रखे गए हैं। जो top 3 विनर्स रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और 150 विनर्स को एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, 60 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेपरेट कॉन्टेस्ट रहने वाला है। तो आप अपना लाइव स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। एनरोलमेंट आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, एंड्रॉयड ऐप पर ही आपका अवेलेबल है। नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बम्पर ऑफर, आज ही खरीदिए 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और पाइए 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्री, और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर पाइए 2 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री, 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर पाइए 3 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री। तो ऑफर एक्सटेंडेड ऑन पॉपुलर डिमांड, ये स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड रही है, जिसकी वजह से ऑफर को वापस से लाया गया है। और साथ में गाइस, यदि आप अन अकेडमी का कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो PRIYA2010 कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं, और यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो आपको अमेजिंग 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप PRIYA2010 कोड यूज करेंगे। तो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीट के जो स्टूडेंट्स हैं एक्चुअल में काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं। पहले उनका कंफ्यूजन था कि जो 12th क्लास के एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होंगे या कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो गाइस, ये फाइनली हो चुका है, फाइनली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 12th के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर उनके मार्क्स हैं, उनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अभी स्टूडेंट्स का
कंफ्यूजन क्या था कि जो नीट एग्जाम डेट जो कि 12 मार्च को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि एग्जाम 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि क्या नीट का एग्जाम अब 1 अगस्त को ही कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर पोस्टपोन होगा। और सेकेंड कन्फ्यूजन उनका ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होंगे, यदि 1 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है तो एप्लीकेशन फॉर्म अब तक रिलीज हो जाने चाहिए। तो गाइस इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड स्टूडेंट्स ने आरटीआई डाली थी, तो एनटीए का रिप्लाई आया है, उस आरटीआई का रिप्लाई आया है नीट एग्जाम पर। तो देखिए क्या है नीट एग्जाम डेट, क्या रिप्लाई आया है, हम डायरेक्टली चलते हैं। Since the Ministry of Education's announcement about postponing the CBSE class 12th exam in April, a lot of NEET and JEE aspirants have been asking the ministry to postpone these competitive examinations. ठीक है, पहले यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि क्लास 12th की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होंगे, तो कब तक पोस्टपोन होने वाले हैं। ठीक है, हाउ एवर डिस्पाइट द क्लास 12th एग्जाम गेटिंग कैंसल्ड नाउ, तो ये आप सभी को पता है कि क्लास 12th की जो एग्जाम है वो अब कैंसिल हो चुके हैं, और मोस्टली वो स्टूडेंट्स क्लास 12th के एग्जाम का वेट कर रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जो नीट JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट ज़्यादा वेट कर रहे थे। लुक्स लाइक्स द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विल हेल्ड ऑन 1st of August एज डिसाइडेड ऑलरेडी बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि 1 अगस्त को जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आंसरिंग एन आरटीआई क्वेरी बाय मेडिकल स्टूडेंट विवेक पांडे, तो मेडिकल स्टूडेंट विवेक पांडे ने आरटीआई डाली थी और उसका रिप्लाई आया है, तो एनडीए ने उस रिप्लाई में क्या कहा है, द एनडीए सेज दैट देयर इज नो चेंज इन द शेड्यूल ऑफ नीट। ठीक है, कि जो शेड्यूल है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 1 अगस्त को ही कंडक्ट करवाया जाएगा। एज पर द पब्लिक नोटिस डेटेड March 12, 2021 द नीट UG 2021 एग्जामिनेशन स्टैंड्स टू बी कंडक्टेड ऑन 1st August 2021 एज ऑन डेट। ठीक है, तो 12 मार्च को ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था कि 1 अगस्त को फाइनली नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इफ द एग्जाम वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द सेम कुड बी ऑन देयर वेबसाइट द एनटीए रिस्पोंडेड। ठीक है, साथ में एनटीए ने उस आरटीआई की रिप्लाई में ये भी बोला है कि 1 अगस्त को ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर आ जाती है तो एग्जाम अगर पोस्टपोन करना पड़ सकता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो एनडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहां पर आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। एट द सेम टाइम द एस्पायरेंट्स आर वरिड दैट द एनडी हैज स्टिल नॉट रिलीज द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसी सेम टाइम पर जो स्टूडेंट्स है वो वरिड है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी अब तक जारी नहीं किए गए हैं, तो हाउ एवर द एनडी सेड दैट इट इज इन प्रोसेस ऑफ कंसल्टिंग। ठीक है, तो उसका भी रिप्लाई एनडी ने किया है कि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का वो इन प्रोसेस है। ठीक है, कंसल्ट किया जा रहा है, कंसल्ट जो मिनिस्ट्रीज है, डेट को फाइनलाइज किया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब लॉन्च किए जाए नीट यूजी 2021 के लिए। हैंस इट इज टेकिंग सम टाइम, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। ठीक है, हाउ एवर द सेम विल बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट ऑन द नीट यूजी वेबसाइट एज सून एज द डेट इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे ही मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से फाइनली जो स्वीकृति है वो नहीं आ जाती है, जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी तो आपका जो लिंक है जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट एनटीए डॉट एन
nic.in, वहाँ पर डायरेक्टली आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। वेरियस स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट बॉडीज हैव बीन कॉन्स्टेंटली सीकिंग अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अंटिल अक्टूबर। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि एग्जाम को अक्टूबर मंथ तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द NSUI एंड द दिल्ली गवर्नमेंट हैव ऑल्सो आज द सेंटर टू वैक्सीनेट द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जाम। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जैसे NSUI हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, वो बार बार यही अर्ज किए जा रहे हैं कि सेंटर से कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब वैक्सीनेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि बीमारी से पहले दूर हो, आफ्टर दैट वो एग्जाम दे। तो गाइज ये है लेटेस्ट न्यूज़। तो आपको 1 अगस्त के एग्जाम डेट फाइनल समझ कर ही प्रिपरेशन करनी है। अब तक जो RTI का रिप्लाई आया है NTA के थ्रू वो यही आया है, ठीक है गाइज। फिर भी यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मेरे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।